हेलो एवरीवन आज हम फिर से करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके ओल्ड टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बना देंगे सो so, आज क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जो कि इनमें से एक है सो लेट्स फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो देखिए भाई हमने सबसे पहले लिखा टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड ऑफ डी एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस वन ओफ डी वाई इज टू जीरो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं तो देखिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड रख के, मतलब देखिए हमें जो ये टर्म है कौन सी डी वाई बाय डी एक्स को एक साइड रख के दूसरी टर्म को अनदर साइड लिख के जाना है और y वाली टर्म को इकट्ठा करके देन x वाली टर्म को इकट्ठा करके उसको इंटीग्रेट करके हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है इसको यहीं पे रख के इस वाले पार्ट को मैं राइट हैंड साइड लेके जाती हूँ तो फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस वन ऑफ डी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड ऑफ डी एक्स ठीक है अब मैंने यहाँ पे वाई को इकट्ठा रख के वाई को रिमेंस रख के मैंने इस टर्म को यहाँ डिवाइड कराया माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स बाय फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस वन ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो आगे देखिए कि अब हम क्या करने वाले हैं अब हम इस डी को और डी को एक साइड साथ रखने वाले हैं तो यहाँ पे डिवाइड यह में आ जाएगा इसका मतलब डी बाय बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड ओवर फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस वन अब हम नीचे वाले पार्ट जो कि हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है उसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करने वाले हैं देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाला पार्ट सेम और नीचे वाले पार्ट में से हमने इन दो टर्म्स में से टू को कॉमन ले लिया अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया देखिए यहाँ से टू कॉमन लिया तो टू एक्स माइनस वाई हमारा बच गया माइनस वन ठीक है अब देखिए हमें ये पता है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो मैं आज आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से एक न्यू मेथड बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि हमारी इस फॉर्म में बनती हैं उनको ईजिली एन एंट्री वे फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखिए देखिए अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते टाइम हमारा कुछ इस तरह से टर्म बन जाए ए एक्स या ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी बाय यहाँ पे सी वन कर देते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू और अगर हमारी इन टर्म्स को देखें और यहाँ से हम x और y के जो कोफिशियंट हैं उनका रेशो कंपेयर करें मीन्स ए वन ओवर ए टू एंड बी वन ओवर बी टू को कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि इनका रेशो अगर इक्वल आता है तो हम इन टर्म्स को जो कि सेम सेम से दिखेंगे आपको इसको v मान के हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड जो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं अपने उस मेथड को इजी बना सकते हैं तो अब इसको और ज्यादा जानने के लिए हम उस क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा देखिए यहां पे हमारे पास इसी तरह बना था जहां पे 2x एक्स माइनस वाई और 2x एक्स माइनस वाई यहाँ पे सेम है अब जब हम इनका कोफिशियंट कंपेयर करते हैं 2 बाय देखो x का कोफिशियंट क्या है 2 यहाँ पे भी क्या है x का कोफिशियंट ठीक है और यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं y का कोफिशन कितना है वन या यहाँ पे y का कोफिशन कितना है ये भी वन ही है देखो काटेंगे तो वन हो जाएगा ना क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो x का कोफिशन क्या है ऊपर टू है नीचे भी एक्स का कोफिशन टू है यहाँ पे भी कोफिशन माइनस है और यहाँ पे माइनस है ये वन बाय ये भी तो वन बाय आ रहा है ना तो अब हमारा कोपिशन क्या आ गया कोपिशन का रेशियो जब हमने कंपेयर किया तो वो सेम आ गया अब हम क्या करने वाले हैं हम इस टू एक्स माइनस वाई को जैसे कि हमने मेथड सीखा है अभी वो ट्रिकी मेथड उसके अकॉर्डिंग अब टू एक्स माइनस वाई को हम v पुट करने वाले हैं अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसका डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स देखिए अब हम यहाँ पे सिर्फ डी वाई को इकट्ठा रख के इस वाले पार्ट को हम राइट साइड लेके जाते हैं और इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं टू माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वस टू डी वाई बाई डी एक्स अब देखो हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई है डी वाई की वैल्यू आ गई है और हमारे पास यहाँ पे डी वाई ही गिवन है तो यहाँ से डी वाई की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें देखिए यहाँ पे पुट किया हमने तो ये आया टू माइनस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट माइनस ऑफ माइनस ऑफ क्या माइनस ऑफ वी प्लस टू बाई टू वी माइनस वन ठीक है अब ये आ गया अब इस टू को हम इधर लेके आते हैं या आप ये करिए कि इस वाले पार्ट को उधर लेके जाइए और इसको इधर लेके आइए तो ये क्या हुआ टू माइनस माइनस से प्लस हो गया ना वो प्लस वी प्लस टू ओवर टू वी माइनस वन ठीक है इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी एक्स अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने वाले हैं देखिए कैसे यहाँ पे एलसीम लेते हैं एलसीम लिया टू वी माइनस वन यहाँ से ये यह, इसको इससे मल्टीप्लाई किया टू टू ज फोर वी माइनस टू प्लस वी प्लस टू इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी एक्स यहाँ से टू कैंसिल हो जाता है हमारे पास यहाँ पे आता है फाइव वी ओवर टू वी माइनस वन इज इक्वल्स टू डी वी ओवर डी एक्स अब हम एक्स वाली टर्म को इकट्ठा करते हैं और वी वाली टर्म को इकट्ठा करते हैं तो देखिए हमारे पास जो यहाँ पे डी वी था मैं इस वाले पार्ट को इधर लिख रही हूँ ठीक है देखो dv को मैंने सेम लिखा अब ये वाला पार्ट इस साइड आएगा नीचे तो ये जो रेश बना गया रेशर जो हमारा है ये पलट जाएगा ये फाइव वी पार्ट टू वी माइनस वन है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू वी माइनस वन ओवर फाइव वी और यहाँ से डी एक्स डिनोमिनेटर पार्ट में है वहाँ पर उधर जाके न्यूमरेटर पार्ट में हो जाएगा ठीक है या देखो इसको थोड़ा तो सा तो तो और सिंप्लीफाई सिंपली वे में लिखू मैं तो क्या होगा ये टू वी माइनस वन ओवर फाइव वी इन टू डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अब हमें यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा ऑन द बोथ साइड ताकि डिफ्रेंशिएशन को हम हटा सकें और हमारे पास एक कॉमन टर्म इन x एंड y या देखो अभी तो v और x में आएगी उसके बाद हम v की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट करेंगे तो अभी देखिए देखिए हमने यहाँ पे क्या केस रेशियो को अलग कर लिया यहाँ पे लिखा मैंने 2v by min 5v minus 1 ओवर 5v यहाँ पे मैंने दो इस dv को दोनों के साइड इस dv को मैंने दोनों के साइड अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे भी dtv और यहां पे भी dtv इस इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा यहां पे सॉरी डी डेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे एक्स और इन दोनों का इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर लेते हैं ठीक है प्लस लॉग ऑफ सी ठीक है क्योंकि कांस्टेंट भी तो टम आएगी और हम यहाँ पे लोग इसलिए लेने वाले हैं क्योंकि जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में कहीं ना कहीं हमारा सी लोग के साथ अगर होगा तभी हमें ईजिली आंसर मिल पाएगा तो आप देखिए अभी हम इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करने वाले हैं देखिए यहाँ से वी से वी कैंसिल हो गया यहाँ से टू बाई फाइव तो अलग रखा गया और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज़ वी माइनस वन बाई फाइव को मैंने अलग रखा एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी दैट इज लॉग वी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस लोग सी अब हमें वैल्यू रखनी है वी की और हमें पता है कि वी की वैल्यू को हमने क्या रखा था यहाँ से टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वी रखा है तो अब इसको हम यहीं पर यूज़ कर लेते हैं v की वैल्यू को रख के क्या रखा हमने टू बाई फाइव वी की वैल्यू थी हमारे पास टू एक्स माइनस वाई माइनस वन बाई फाइव log value of 2x minus y is equals to x is equals to x plus log c. ठीक है अब हमने क्या किया कि जो ये बिना लोक वाली टर्म है उनको इकट्ठा किया और लोक वाली टर्म को हमने इकट्ठा कर लिया ठीक है अब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास जो ये टू बाई फाइव के पार्ट था मैं यहाँ से फाइव बाई फाइव को कॉमन ले लेती हूँ देखो मैंने फाइव को यहाँ से हटा दिया यहाँ से हटा दिया अब फाइव इस फाइव के इस एक्स के साथ आ गया और यहाँ से अगर मैं इस फाइव को लेती हूँ तो मैंने माना कि फाइव को लेने के बाद हमारा ये कॉन्सेंट थोड़ा चेंज हो गया और ये बन गया लोग ऑफ सी डैच ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या आया ये इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ टू को टू टू जा फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस ऑफ लॉग ऑफ टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस लॉग ऑफ सी डैश अब यहाँ से ये फाइव है यहाँ से ये फोर एक्स है तो फाइव एक्स को उधर लेके जाओ इधर लेके आओ देखो हमने क्या किया मैं इस फोर एक्स को उधर लेके गई तो क्या हुआ यहाँ से फाइव एक्स में फाइव एक्स माइनस फोर एक्स दैट इज वन एक्स यहां से जो माइनस टू वाई है इसको मैं इधर से इधर लाके प्लस का टू वाई कर देती हूं और मैं इसको इधर लेके आती हूं दैट इज माइनस ऑफ लोग ऑफ टू एक्स माइनस वाई और यहां से क्या आ गया माइनस ऑफ ठीक है अब हम देखते हैं कि हमें बनाना किस तरह है हमारा सॉल्यूशन आ तो गया है पर हमें इसको थोड़ा अरेंज करना है ताकि जो हमारा आंसर निकल के आए यहां से वो हमारा ऑप्शन से मैच हो जाए तो देखिए ऑप्शन के अंदर हमें क्या करना है हमें इस c के साथ इस x प्लस टू वाई जो नेगेटिव टर्म के साथ उसको इकट्ठा रखना है तो देखिए कहीं ना कहीं देखो ये ब्रैकेट है ये सी नहीं है यहाँ से ये ब्रैकेट है ठीक है अब देखिए यहां से क्या होगा देखिए माइनस माइनस को कोमा ले लेती हूँ मैं माइनस लोग एम प्लस लोग एन दैट इज लोग ऑफ एम इन एन दैट इज टू एक्स माइनस वाई इंटू सी डैश दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई अब हमें क्या करना है कि अपने आंसर को मैच कराने के लिए मैं दोनों साइड ई अप्लाई कर देती हूँ ये भी e की पावर में आ गया अब ये भी e की पावर में आ गया और हमें पता है कि e एंड log और कैंसिल आउट तो यहां से हमारा क्या आ गया देखो माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वाई इन टू सी डैश इज इक्वल्स टू ई टू दावर एक्स प्लस टू वाई देखिए ये है हमारा फाइनल जो सोल्यूशन हमारा निकल किया आया ये है अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने एक नया मेथड क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में निकल के आती है देखिए इस फॉर्म में निकल के आती है तो उसको इजीली v मान के हम कैसे कर सकते हैं तो अब हमारा जो आंसर मैच हुआ है वो है हमारा कुछ इस तरह देखिए दिख नहीं रहा सॉरी आपको दिख नहीं रहा पर देखिए आप ये क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर वन हमारा मैच हो गया है और x माइनस टू वाई एक्स प्लस टू वाई ठीक है ये टू एक्स माइनस वाई ये एक्स माइनस टू वाई और आप नो देखिए यहाँ पे ये x माइनस टू वाई हमारा और देखो यहाँ पे तो ये y माइनस टू एक्स है और हमारा सॉल्यूशन में आया कितना है ये आया है अगर मैं माइनस मैं को अंदर लेके जाऊँगी तो ये आया है y माइनस टू एक्स तो ये y माइनस टू एक्स वाला ऑप्शन देखते हैं हम y माइनस का 2x ये हमारा ऑप्शन नंबर वन ही मैच हो गया तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा थैंक यू